सुप्रभात मेरे कक्षा द्वितीय के प्यारे बच्चों, मैं केरला पब्लिक स्कूल से आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा आज आप लोगों का फिर से ऑनलाइन क्लास में आप स्वागत करती हूँ। तो पिछली बार हम पढ़ चुके हैं हिंदी विषय में पांचवें अध्याय तक नई गुल्लक के बारे में, ठीक है। इस बार इसमें आपको बतलाया गया था कि सिलेबस आपका पूरा हो चुका, पर इसमें एक और सिलेबस है, छठा अध्याय, जो है मुझे चांस चाहिए, ठीक है। ये एक कविता है, इसे मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, है ना, कविता को सुनाने वाली हूँ, और इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं ये आप लोगों को समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और तैयार हो जाएं हिंदी की पढ़ाई करने के लिए, है ना, मुझे चांस चाहिए के बारे में। इसकी पृष्ठ संख्या 35 से 38 तक है। चलिए तो पढ़ें इस कविता को। एक दिवस नन्हा सा बेटा बोला अपनी माँ से, नहीं चाहिए कोई खिलौना, मुझे चांद ही ला दे। माँ बोली, सुन मेरे बेटे, मेरे सुघड़ सलोने, जितने भी चाहे तू ला दूं उतने तुझे खिलौने, पर जितना कर लाल मेरे, मैं चांद कहाँ से लाऊं, इतनी ऊंची पहुंच नहीं जो चांद तुझे दे पाऊं। बोला बेटा, मैं ना जानू, मुझे चांद ही ला देना, लाना मुझे चांद ही लेना है, मुझको तो बस चांद ही भाए, मेरा यही खिलौना है। सुनकर हट बच्चे की माँ, पहले तो घबराई, फिर उसने कुछ सोचा मन में, एक थाल ले आई, थाली में जल भर कर उसको रख आई आंगन में, चांद की छाया पड़ी दिखाई थाली के पानी में, चांद देख कर थाली में बच्चे की हंसी लौट आई। सुनी कहानी तुमने बच्चों, बोलो तुमको कितनी भाई, ठीक है। ये चांद लाने की एक कविता है, ठीक है। इस कविता में एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है कि एक दिवस, यानी दिवस का अर्थ होता है दिन। एक दिन ऐसा हुआ कि नन्हा सा छोटा बेटा था, बच्चा था, है ना, नन्हा यानी छोटा सा बेटा था, वो अपनी माँ से बोला, माँ मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे खिलौना कोई नहीं चाहिए, मुझे चांद ही खिलौने के, सारे खिलौने के बदले में मुझे चांद ही ला दो। क्या ला दो? चांद ही। जिस प्रकार मैं इस कविता को आपको गाते हुए सुनाई हूँ, इसी प्रकार आप इस कविता को याद करेंगे, ठीक है, और इस कविता का अर्थ मैं समझा दूँ। तो अब वो अपनी माँ से जिद करने लगा कि माँ मुझे चांद ही खिलौने में ला दो, मुझे और कोई खिलौना नहीं चाहिए। माँ बोली, सुन मेरे बेटे, मेरे सुघड़ सलोने, जितने भी चाहे तू ला दूँ उतने तुझे खिलौने। उसकी माँ बोली, तुम्हें जितने खिलौने चाहिए, ठीक है, सुघड़ का मतलब होता है मेरे सुंदर बेटे, तुम्हें जितने सुंदर जितने खिलौने चाहिए, मैं उतने खिलौने ला के तुझे दे दूंगी, ठीक है, पर जिद ना कर लाल मेरे, मैं चांद कहाँ से लाऊं। पर मेरे बेटे, तुम जिद मत करो कि मैं तुम्हें चांद ला कर दूं, मैं कहाँ से चांद ला कर दूंगी, इतनी ऊंची मेरी पहुंच नहीं है जो मैं आसमान से चांद तुझे ला के दूं, ठीक है, इतनी ऊंची मेरी पहुंच नहीं है जो मैं आसमान से तुम्हें चांद ला कर दूं। बोला बेटा, मैं ना जानू, मुझे चांद ही ला देना। उसके बेटे ने कहा, उस छोटे से नन्हे बालक ने कहा, मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चांद ही लेना है, मुझे क्या लेना है, चांद ही लेना है, है ना, मुझको तो बस चांद ही भाए, मेरा यही खिलौना। उसकी माँ, वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे चांद ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे खिलौने में चांद ही चाहिए, मुझे और कोई भी खिलौना नहीं चाहिए। सुनकर हट बच्चे की माँ, पहले तो घबराई, फिर उसने कुछ सोचा मन में, एक थाल ले आई। फिर उसकी माँ जो है वो अपनी बच्चे की जिद के आगे परेशान हो गई कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, आखिर मैं किस प्रकार अपनी इस बच्चे की जिद को पूरा करूँ, है ना। फिर उसने मन में कुछ सोचा और वो एक थाल ले आई। थाल समझते हैं ना, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, थाली,
है ना, वो थाल ले आई, थाली में जल भर कर उसको रख आई आंगन में, थाली में जल भर के वो आंगन में रख आई। हाँ, चांद की छाया पड़ी दिखाई थाली के पानी में, थाली की जो पानी थी, थाली में पानी भर के उसकी माँ रख दी और उस पानी में चांद की जो छाया परछाई है वो उस थाली के पानी में पड़ी और उसमें चांद दिखाई देने लगा, है ना। चांद देख कर थाली में बच्चे की हंसी लौट आई, सुनी कहानी तुमने बच्चों, बोलो तुमको कितनी भाई, है ना। तो चांद को जो उस बच्चे ने थाली में देखा तो उसकी हंसी खुशी जो थी वो लौट के आ गई, जो वो जिद कर रहा था वो उस जिद को छोड़ दिया, वो खुश हो गया, अरे मेरा खिलौना तो आ गया, वो इस बात को सोच के बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसकी हंसी लौट आई, है ना। सुनी कहानी मतलब आप लोगों ने ये कहानी सुनी, आप लोगों को ये कहानी कितनी अच्छी लगी, कितनी भाई, है ना। बच्चे क्या करते हैं अपनी माँ के आगे बहुत सारे चीज करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसके लिए जिद करते हैं। और माँ पता है आपको, माँ अपने बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और जब बच्चे छोटे रहते हैं उन्हें संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर भी उसकी माँ उनकी हर एक जिद को पूरी करती है। सोचिए कितनी अच्छी माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करती है, बहुत कुछ करती है। उसने चांद मांगा तो माँ ने उसे चांद दे दिया, भले ही असली चांद नहीं दिया तो पर बच्चे को खुश करने के लिए उस चांद को तो उसने ला दिया, है ना, भले ही थाली में ही ला के दिया पर उससे वो खुश तो हुआ, है ना। इसी प्रकार है ये कविता, चांद का आकार हर रात बदलता रहता है। चांद जो है ये मुख्य तत्व है, रोचक तत्व है, इसमें जो है चांद जो है हर रात उसकी जो आकार है, उसकी जो साइज है वो बदलते रहती है ना। और इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, दिवस, दिवस का है अर्थ दिन, दिन अनन्हा इसका अर्थ छोटा, सुघड़ इसका अर्थ सुंदर होता है, हट इसका अर्थ जिद होता है। इसी प्रकार इन सारे शब्दार्थ को आप अपनी अपनी कविता को दो पृष्ठों में लिखकर याद कीजिएगा और शब्दार्थ को भी लिखकर याद कीजिएगा। और इसमें जो कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर और भी जो कुछ हैं, इन सारे चीज़ों को मैं आपको PDF बनाकर आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। और इस कविता को आप जो कविता मिली है मुझे चांद चाहिए, इस कविता को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं आपको इस कविता का अर्थ जो मैं समझाई हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आई, ठीक है। तो आज की कक्षा आप लोगों की पूर्ण हुई और अगली बार फिर ये जब आप प्रश्नों के उत्तर को पूरा कर लीजिएगा तो ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब फिर फर्स्ट चैप्टर से मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी और इसे आप जो है शुरू से रिवाइज करना है, याद करना है, ठीक है। धन्यवाद।